आपको बड़ी खबर उत्तराखंड से बता देते हैं, जहां पर अभी भी बारिश का जो कहर है वो लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से देखिए, लगातार 2 से 3 दिन हो चुके हैं लेकिन बारिश है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया, अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया गया है, मौका मुआयना किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल भी मौका मुआयना किया था। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, उनको मुआवजा दिया जाएगा। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। सीएम धामी ने आज हवाई निरीक्षण भी किया है, लेकिन उन्होंने कल भी हवाई निरीक्षण किया था, उन्होंने पूरा जायजा लिया था और आज भी उन्होंने फिर से हवाई सर्वेक्षण किया, पूरा जायजा लिया, मौका मुआयना किया गया है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ हालात हैं उत्तराखंड में, इसको लेकर उन्होंने पूरी जानकारी भी अधिकारियों से ली है। तो देखिए, लगातार 2 से 3 दिन हो चुके हैं उत्तराखंड में बारिश का जो कहर है वो लगातार जारी है। नदियां उफान पर हैं, बाढ़ लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से वहाँ के जो नागरिक हैं वो कह रहे हैं कि जो हालात 2014 में देखने को मिले थे, वही हालात, वही सिचुएशन अब 2021 में सामने नजर आ रही है। इसको लेकर भी अब यहाँ पर जो नागरिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से मेरे सहयोगी हरीश। हरीश, देखिए सिचुएशन काफी ज्यादा भयावह हो चुकी है, लोग परेशान हो रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है मौसम को लेकर? देखिए, जिस तरह से आज की अगर बात की जाए तो आज कई जगहों पर मौसम साफ हुआ है, जो बारिश है वो कम हुई है। तो वही अगर देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून में आज धूप लगी हुई है, लेकिन इसके साथ ही अगर कुमाऊं क्षेत्र में सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिला है। जिस तरह से लगातार बाढ़ जैसी स्थिति वहां पे, आपदा जैसी स्थिति वहां पे हुई है, अभी तक की जो अपडेट है, हालांकि आज मौसम विभाग ने कल देर शाम को ही कहा था कि जो मौसम है वो अब धीरे धीरे बदलेगा और आज मौसम कई जगहों पर साफ नजर आ रहा है। तरीके से आपने जानकारी दी है कि मौसम विभाग ने बोला है कि अब जो मौसम है ठीक हो सकता है, यानी जो हालात है वो अब ठीक हो सकते हैं। हरीश, देखिए ये जो हालात बने हुए हैं, बारिश लगातार हो रही है, बाढ़ आ रही, नदियां उफान पर हैं और इस भूस्खलन की वजह से लगभग 40 लोगों की मौत भी हो चुकी है उत्तराखंड में। क्या मौत का आंकड़ा और भी आगे बढ़ा है, कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक की अगर बात करें तो लगभग 46 लोगों की मौत की खबरें हमारे पास हैं और जिस तरह से तमाम जिले हैं, चाहे वो चमोली हो, अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, इन जगहों पर भी कई लोग की मरने की खबर है। लेकिन उत्तराखंड सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कल भी हवाई सर्वेक्षण किया था, उन्होंने आज भी हवाई सर्वेक्षण किया है और कर भी रहे हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि हर संभव मदद दी जाएगी और जो मृतक है उनके परिवार वालों को 4-4 लाख का मुआवजा भी दिया जा रहा है। हरीश, कह सकते हैं कहीं सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है सहायता करने की, और जिस तरीके से जो हालात बने हैं वो कैसे सामान्य हो और यहाँ तक कि उत्तराखंड वासियों कैसे संतुष्ट किया जाए, कैसे वो इस डर के माहौल से बाहर निकले, इसको लेकर भी कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब निश्चित तौर पे जिस तरह से एक काफी जुनून देखा जा रहा है मुख्यमंत्री में, क्योंकि जिस दिन से अलर्ट हुआ है लगातार सेमिडेक से खुद ही मुख्यमंत्री से तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। वहीं अगर बात करें तो हर एक जिला अधिकारी से उन्होंने फोन पर अपडेट लिया है, उसके बाद गढ़वाल और कुमार दौरा उन्होंने किया है। कल शाम वो पिथौरागढ़ और हल्द्वानी, रुद्रपुर, इन जगहों पर आपदा प्रभावित लोगों से भी मिले, साथ ही रुद्रप्रयाग भी गए थे और रुद्रप्रयाग में भी उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है। रोड जो सड़क है उनका भी उन्होंने जायजा लिया है, साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रोड 24 घंटे खोल देनी चाहिए। और उन्होंने इसी वजह को लेकर के उन्होंने कल देर रात तक अधिकारियों के साथ बातचीत, आपदा प्रभावित लोगों से बातचीत की और साथ ही उन्होंने जो प्रभावित जो लोग हैं उनको भी मुआवजा देने की बात की, और जो
मृतकों के जो आश्रित हैं उनको 4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। तो निश्चित तौर पर लगातार मुख्यमंत्री रात देर रात तक भी आपदा प्रभावित इलाकों में थे। आज खबर ये भी आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी आज हवाई दौरा करेंगे उत्तराखंड का। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार जो भी समझ लेता है और इसी को लेकर सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार आपदा प्रभावित इलाकों में है। साथ ही इनके साथ आपदा प्रभावित मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। तो तमाम इलाकों में अभी भी जिस तरह से हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, हल्द्वानी में, नैनीताल में और तमाम इलाकों पर मुख्यमंत्री स्वयं जाकर के जायजा ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है। तो इसी सरकार उनके साथ खड़ी है और जिस तरीके से आपने कुछ अपडेट दिया है कि खुद वहां पर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो भी अब पहुंचेंगे, वहां का मौका मुआयना भी करेंगे। चलिए हरीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।